पार्टी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। मेरी तो कब की हो गई है मेरा झोला हो गया है तैयार। तब डिसाइड कर रहे हैं कि मैं क्या करूं तो क्या नहीं करूं, क्या पहनूं तो क्या नहीं पहनूं। और आकाश देखिए यहाँ पे कहाँ चला स्कूटी पे, ऊपर वो कचरा नहीं थोपूंगा ना मैं, कोई कचरा नहीं पहनूंगा, कचरा थोप के मैं कोई कचरा नहीं पहनूंगी। जितने भी तुम लड़के हैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक देना पार्टी में, तुम्हारी असलियत आ जाए सामने, तुम है क्या चीज। गर्ल्स इसके लिए कमेंट करना जरूरी है, हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और फाइनली सर के पार्टी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। मेरी तो कब की हो गई है, और ये अब जब 3-4 घंटे रहे तब डिसाइड कर रहे हैं कि मैं क्या करूं तो क्या नहीं करूं, क्या पहनूं तो क्या नहीं पहनूं। अब मेरा डिसाइडेड है, मैं तो ऐसे भी चल पड़ूंगा, नहीं करूंगा। मैं रात को बोल रही थी करो करो भाई तैयारी करो, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। बस मैंने शर्ट देनी प्रेस करने को, और मुझे बोल रहे थे ये ना पार्लर जाएगी ये करेगी, अब खुद जा रहे हैं पार्लर। पार्लर थोड़ी ना जा रहा हूं, कटिंग करने जा रहा हूं। हां तो मैं भी तो बालों का ही करने जा रहे ना, अब आप भी जा रहे हो। अब देखा ऐसे ही होता है इनकी, मैं ऊपर वो कचरा नहीं थोपूंगा ना, मैं कोई कचरा नहीं पहनूंगा, कचरा थोप के फिर मैं कोई कचरा नहीं पहनूंगी। जितने भी तुम लड़के हैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक देना पार्टी में, तुम्हारी असलियत आ जाए सामने, तुम है क्या चीज। गर्ल्स इसके लिए कमेंट करना जरूरी है, हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। चलो अब जल्दी जल्दी फटाफट आप भी जाओ और मैं भी कुछ तैयारी करती हूँ अपनी, और थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ओके तो दोस्तों मैं तो निकल गया कटिंग करने के लिए, और मैडम चले गए अपनी प्रेपरेशन में। और यहाँ पे देखो एक निसान का टैंक कितना खूबसूरत बनाया हुआ मॉडिफाई करके, और क्या जबरदस्त लग रहा है। इसके टायर देखो आप, मुझे लग रहा है जितनी वेन्यू की हाइट है ना लगभग उतने इसके टायर्स हैं, तो ऑफ रोडिंग में कितना मज़ा आता होगा ना। तो बस आप कटिंग वटिंग कराते हैं और अपने एनुअल डे सेलिब्रेशन की प्रेपरेशंस ख़त्म, और आज है वो डे सेलिब्रेशन का, तो आप लोगों को भी मजा आने वाला है, हमें तो मजा आने ही वाला है। Sometime later. तो जी कटिंग वटिंग तो अपनी हो गई है, और आकाश देखिए यहाँ पे कहाँ चला स्कूटी पे, कैप्चर हो गया आकाश देख ले। तो सब लोग आज कटिंग और प्रेपरेशन में लगे हैं, वो लोग भी आए, और सौरभ अमन आकाश मनीष, तो बस मैं तो फ्री हो गया, ये लोग अभी आए सो के उठ के। इधर अपनी गाड़ी खड़ी है और ऊपर सूरज की हालत देखो, गर्मी इतने बादल है फिर भी गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और गाड़ी ना पूरी गर्म हवा छोड़ रही होगी इस टाइम, क्योंकि अंदर ना खड़ी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट करती है, तो पहले ही शीशे खोल देते हैं। अभी तो मैं एक और चीज़ देख रहा था कि अभी हमारे ना जो मेन रोड है गांव में, वहां से हमारे घर तक या हमारे गांव तक जो रास्ता है उसको बनाने की डिस्कशन चल रही है, और उसकी चौड़ाई है ना जो 3 फुट के आसपास है, तो हमने ये सोचा है कि उसमें अगर हम स्टेप्स ना दें तो आराम से ना इस तरह का रिक्शा शायद उसमें चल पड़े। मुझे लग रहा है इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2.5-3 फुट से ज़्यादा नहीं होगी, और आराम से देखो इसमें 6-7 लोग बैठ के जाते हैं, और 6-7 लोग बैठने का मतलब है कि 6-7 लगभग 500 kg तक का वेट आराम से जा सकता है। तो किसी को सामान ले जाना है तो वो 500 kg का सामान ले जा सकता है, जिसको सवारी है या खुद जाना है तो वो 4-5 लोगों को ले जाकर जा सकता है, और स्कूटी बाइक तो आराम से जा ही सकते हैं। तो लेट्स सी कि वो कहाँ पहुँचेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी जो वहाँ पे पंचायत की सेलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे भी डिस्कशन और मीटिंग्स हो रखी है, तो उनको भी टाइम दिया है कि देखो आप लोग कैसे इसको प्रोजेक्ट को ला सकते हैं कर सकते हैं, और हम लोग भी उसमें हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो लेट्स सी, एंड अगर होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको हम करें किसी भी तरह से, जिससे गाँव के लोगों को ना बहुत सारा कंफर्ट मिलेगा, चाहे वो पेशेंट हो गांव के, इमरजेंसी कुछ भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो उसमें इशू नहीं आएगा,
आराम से आप लोग मेन रोड तक पहुंच सकते हैं। और अगर सामान की बात है तो ऑफ कोर्स है कि सामान का सारा काम भी आराम से इससे हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी का रोड का प्रोविजन वहां से नहीं बन रहा है। और कोई भी अपनी कीमती ज़मीन, हालांकि इतनी कीमती है नहीं बट समझाना बहुत मुश्किल है, तो वो ज़मीन तो नहीं मिलने वाली है बहुत लंबे टाइम तक। तो हमने ये सोचा है, डिस्कस करा है गाँव में कि लेट्स मेक द बाइक रोड फर्स्ट। अगर बाइक रोड भी बन जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो होप फॉर द गुड, कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। बस अभी मैं ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाला हूं और गर्मी से बेहाल सब लोग हुए पड़े हैं, और दिन का टाइम है तो गर्मी ऑफ कोर्स अपने पीक पे पहुंच गई है। तो गाइस, कोई बड़ा भारी हीरो बन के आ गया है 2-3 घंटे लगा के। चश्मा खोल दो भाई, धूप नहीं है। इन्होंने कटिंग कराई और मेरे से ज्यादा टाइम लगाया इन्होंने तैयार होने। अभी तक मैं पार्लर नहीं गई और ये आ गए पार्लर बोलर से। देखा क्योंकि आपने अभी जाना है ना, अभी 2:30 बजे हैं। मेरा झोला तैयार है, आप आएंगे सीधे 7 बजे, मुझे पता। तो मेरे से तो आपने ज्यादा लगाया ना। कहाँ से ज्यादा लगाया, 12 बजे के गए हैं और 2:30 बजे हैं। तब से सुबह से बिस्तर भी फोड़ दिया है। समझ नहीं आ रही किया क्या होगा यार लड़कों का। ओ भाई, होश ही नहीं है घर की। आज मुझ पर कोई होश नहीं है। मैं चली कहाँ चली यार। चश्मा तो खोल दो, क्या करवाया आपने अपना, दिख तो कुछ नहीं रहा है। दिख तो एक वो उसमें बोलते हैं कि दिखाओ जरा पार्लर जाके आइए, तो क्या किया बोलते प्लास्टिक सर्जरी की थोड़ी ना करवाई है। दिखा सकता हूँ मैं आपको, वो वीडियो में दिखेगा, पहले देख लेना बाल गाल कितने चमक रहे हैं आप। भाई मेरा झोला हो गया तैयार और मैं इनका ही वेट कर रही थी। जब ये आएंगे तब ये मुझे छोड़ देंगे पार्लर और मैं फिर चली जाऊंगी। छोड़ूंगा नहीं, आप खुद जाओ, अब मैं थोड़ा रेस्ट करने वाला हूं। मैं जा रही हूँ अब, चलो ठीक है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना पैदल चली जाती हूँ, बट पैदल इतनी धूप है ना बाहर, यहाँ देखो, मैंने कहा उल्टी काली हो जाऊंगी तो ना मुझे छोड़ के आ जाओ प्लीज करके। तो फिर ना मैं इनको जबरदस्ती ले आई और इन्होंने ना फटाफट खाना खाया बेचारे, और क्योंकि मैं ना लेट हो गई थी, मुझे कॉल आ रहे थे बार बार कि क्योंकि मैंने जाना ना 2:30 बजे और बज गए 3। तो फिर इन्होंने बेचारे ने जल्दी जल्दी खाना खाया और मुझे अभी छोड़ के दे देंगे। अभी मैंने वो शर्ट भी लेनी है, यहाँ दी हुई है कहीं, पता नहीं कहाँ करने के लिए। और आपकी तो हो गई भाई तैयारी, अब 2 मिनट में 2 घंटे में रेस्ट करूंगा। और हम देखो वहां से ना घूम के आगे इसके चक्कर में, हमने इधर से आना था बट यहाँ ना ये किया हुआ, रैंप दिया हुआ है सीमेंट का, तो हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हमें पूरा घूम के आना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है वापसी में भी मुझे ना ऐसे घूम के आना पड़ेगा, यहाँ से ले लेना। पर गाड़ी खड़ी है ना आगे, बंद है रोड। देखो है तो रास्ता मेरा 2 मिनट का जहाँ, बट गाड़ी में क्या करें भाई, क्या करें। अरे गर्मी भाई गर्मी। आज जो पार्टी हॉल है ना वो हमारे घर से ना इससे भी नजदीक है, पार्लर से भी पैदल चले जाएंगे बोलते, उसमें भी गाड़ी में जाना है यार। तो फिर इतना तैयार तूर होके इतनी गर्मी में मैं पैदल जाऊंगी, नो वेज, चुपचाप गाड़ी में चलेंगे हम, ठीक है। मैं तो पहले ब्रश करूंगा फिर जाऊंगा, हाँ बंदे आ गए, फिर आऊंगा, फिर कपड़े पहनूंगा, फिर देखूंगा और आगे, फिर जूते पहन के निकलूंगा। 2-3 चक्कर लगा सकते हो ब्रश करते करते, देख सकते हो ऊपर छत पे जाके कि अच्छा आगे इतना नजदीक है पार्टी वाला। तो मैडम जी को ड्रॉप कर ही दिया, ऑलमोस्ट लेने आ जाऊंगा, फोन कर लेना तो बस अब बेचारे, एक तो ना इनको दांत दर्द हो रही है 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ना पहले ये जा रहे हैं अपोलो स्टोर पेन किलर खरीदने, फिर उसके बाद जाएंगे कहीं पार्लर, शायद इधर है ये हेयर बज वाला शायद जो दिख रहा है आपको, तो ये है इनका पार्लर, फिर जाएंगे ये पार्लर, फिर मुझे लग रहा है 2-3 घंटे लगाएंगे। तब तक मैं आराम से रेस्ट करके उठूंगा, जब इनका फोन आएगा फिर इनको पिक करके फिर चलेंगे पार्टी में। तो मुझे लग रहा है ये ब्लॉग तो हमें यही एंड करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का मजा तभी आएगा जब शुरू से एंड तक ब्लॉग में पार्टी ही पार्टी हो। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको पार्टी, और स्टे ट्यून, तब तक इंजॉय करिए अपनी लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।